दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल मेहंदी है रश्मि वाली में चल रहा है काफी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा और अब मंदार और राघव के बीच में एक अलग ही जंग छिड़ चुकी है पल्लवी को पाने के लिए। लेकिन यहां पर मंदार चैलेंज कर देता है राघव को कि अब 7 दिन के अंदर अंदर पल्लवी मेरे पास होगी, लेकिन इन्हीं 7 दिन में राघव भांडा फोड़ देगा कि ये तो असली है ही नहीं, यानी वो मंदार जो था वो ये मंदार नहीं है और ये सब तो फ्रॉडबाजी चल रही है और वो डॉक्टर भी मिली हुई है इसके साथ। और 7 दिन में ही अब राघव सारी सच्चाई घर वालों के सामने ले आएगा। इन 7 दिनों में काफी कुछ ड्रामा हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर राघव को से बार बार पल्लवी को मंदार छीनने की कोशिश करने वाला है और बार बार अपने घर में बुलाएगा पूजा के बहाने तो कभी किसी बहाने। और डॉक्टर ने उसको बेचारी को इमोशनल कर दिया है कि इसकी हालत क्रिटिकल है और तुम्हें इसको संभालना ही पड़ेगा। तो वहीं डीएनए रिपोर्ट भी फेक आने वाली है जिसमें कि यही आएगा कि मंदार यही है, लेकिन राघव को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। 3 दिन में यहाँ पर पता चल जाता है कि रिपोर्ट असली है, यानी कि रिपोर्ट नकली बनाई गई है लेकिन ये ही मंदार है ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है, लेकिन ये सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है और राघव इसी की सच्चाई जानने के लिए जासूसी करवाने वाला है मंदार की, जहाँ पर मंदार के खिलाफ जो सबूत लेकर आएगा राघव वो सबके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, ये मंदार है ही नहीं और ये तो सनी डॉक्टर वेदांत सभी लोग मिले हुए हैं और राघव फाइनली 7वें दिन ऐसे सबूत लेकर आएगा और पल्लवी को फिर से मंदार के सामने ही लेकर जाएगा, साथ में ही पुलिस के हवाले कर देगा इस मंदार को जो बहरूपिया है और घर वालों के और पल्लवी के इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो अब 7 दिन में काफी कुछ ड्रामा होने वाला है और वो 7वें दिन राघव ऐसे सबूत लेकर आएगा जो मंदार की बोलती तो बंद करेगा ही, उसका असली चेहरा भी सबके सामने ले आएगा कि ये मंदार नहीं, ये कोई बहरूपिया है जो कि सब ड्रामा कर रहा था। और उसके बाद में वेदांत का और सनी का भी राघव बुरा हाल कर देगा, जब उसके सामने सारी सच्चाई आएगी तो वो दोनों भी नहीं बचने वाले हैं।